Hey guys, welcome back to a new vlog guys. So, आज का पहला दिन है हमारा कोरिया में, सियोल में, सोल सियोल जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। और भाई साहब, मुझे अभी टाइम मिला है व्लॉग शूट करने का। मैंने लिटरली पता कुछ ही नहीं किया था, मैंने कोई इंट्रो नहीं किया था, मैंने कुछ नहीं किया था। हम बस ट्रैवल पे ट्रैवल किए जा रहे थे, हम लोग बस घूमे जा रहे थे, मुंबई से बैंकॉक, बैंकॉक से सियोल, यू नो ये सारी चीज़ें। इसमें पूरा दिन निकल गया हमारा। बट गाइस, फाइनली हमारा पहला कदम, पहला दिन, वैसे दिन तो जा चुका है, शाम हो चुकी है। सो पहली शाम हमारी सियोल में और अभी हम फ्रेश हो चुके हैं। मेरा पूरा सामान देखो, यहाँ पूरा मेरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। आज हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन कल से प्रॉपर प्लानिंग स्टार्ट होने वाली, कल से प्रॉपर काम स्टार्ट होने वाला है। वेलकम टू द सियोल साउथ कोरिया व्लॉग डे वन। यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है शाम में, लाइक थोड़ा सा यहाँ पे हो जाता है, जैसे भी दिखा रहा है मेरे को 7 डिग्री दिखा रहा है शाम के टाइम पे। तो अब 60 डिग्री जब शाम में हो जाएगा, और गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं कोरिया में, पहला कदम हमारा। और गाड़ी का वेट कर रहे हैं बिकॉज गाड़ी हमारी वहाँ गई तो भी गाड़ी है और मेरी ना आँखें नहीं खुल रही बिकॉज मैं लेजिट सोया नहीं हूँ। मुंबई से लेके बैंकॉक तक मैं थोड़ा देर सोया था और बैंकॉक से लेके जो लंबी फ्लाइट थी हमारी बैंकॉक से लेके ये सियोल कोरिया तक के, तब मैं बिल्कुल नहीं सोया हूँ। मैं मूवीज़ देख रहा था, मैंने पता नहीं कौन सी मूवीज़ देख ली। मैंने कोरियन मूवी भी देख ली, मैंने एक हॉलीवुड मूवी देख ली और थोड़ा बहुत खाया पिया एंड देन हम लैंड कर गए। सो वही है, अभी फटाफट होटल जाते हैं। सामान वामान आ चुका है, दो लोग यहाँ पर है, दो लोग वहाँ पर है, वो भी क्रॉस करेंगे। सामान आएगा, सामान लेके गाड़ी में डालेंगे एंड देन फिर हम लोग फरार सीधे होटल की तरफ। और तुम देखो धूप ऐसी पड़ रही है, लेजिट मेरी आँखें नहीं खुल रही है साला। ये भाई साहब है जो हमारा सामान लेके अभी फटाफट डाल देंगे। ये मेरा बैग है और ये एक छोटा बैग है, उसमें पूरे शूज़ है, उसमें सारे कपड़े मेरे। अब मैंने एक चीज़ सोचा था कि मैं ना आधा आधा करके लाऊंगा जिससे मैं यहाँ से भी खरीद सकूं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि इतने सारे कपड़े मैंने ला लिए हैं तो मेरा वो बैग भर गया है और इसमें तो शूज़ ही है। तो देखते हैं अभी, आई थिंक सो मुझे एक और बैग लेना पड़ेगा कपड़ों के लिए एंड गुड टू गो। कैसा लग रहा है पायल? Nice, कैसा है कोरिया फिलहाल? वेदर अच्छा लग रहा है ना, इतना गर्म भी नहीं है। कितना है? हाँ इतना ही हाईएस्ट होता है, 22-23 इतना हाईएस्ट है और इवनिंग में 7-8 समथिंग कुछ होता है। सो शाम में मज़ा आएगा, हवाएं भी चल रही है। फिलहाल 4 दिन तो हमारे पैक है, शाम में ही घूम पाएंगे एंड आई थिंक आज का दिन हम घूम सकते हैं आज शाम में, क्योंकि आज हमारा कुछ भी नहीं है। सो आज हम लोग, हाँ सब लोग की नींद हो गई है, सो आज हम लोग घूम भी लिए हैं। So, मेनू में क्या है पायल बताओ? मेनू में सब कुछ वेज। सब कुछ वेज? यस। सो लकीली हमें यहाँ पे फ्राइज मिल गए जो कि बहुत ही फेमस है, क्रिस्पी एंड सुशी। नहीं है ये, इधर सुशी, ये रोल है कुछ, सुशी नहीं है बिकॉज सुशी में वो फिश वाला था ना, इसलिए मना कर दिया था। रिप्लेस किया इसके अंदर से कुछ। अच्छा, सो ये सुशी, ये वेज नूडल्स हैं, ये भी सेम वेज नूडल्स हैं, ये फ्राइज हैं, ये भी सुशी है, वेज सुशी एंड ये पायल है। सो अभी हम लोग है ना सैमसंग गैलेक्सी के हेडक्वार्टर्स में, यहाँ पे सब चीज़ें बनी हैं। मैं आपको एक ही चीज़ें दिखाता हूँ यहाँ पे, मैं बहुत धीरे बात कर रहा हूँ बिकॉज पीछे मॉडल भी शूट कर रहा है तो मेरी आवाज़ उसके उसमें जाएगी, उसकी आवाज़ मेरे इसमें आएगी। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बहुत सी चीज़ें, पहला कैमरा, पहला टीवी, पहला रेफ्रिजरेटर और पहला फ्रिज, बहुत सी चीज़ें। तो मैं पहले आपको ना ओलंपिक्स की ओलंपिक्स की मैं आपको अपने वो दिखा होगा जिसमें ना आग वाग लगाते हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ पहले। ये देखो ये सो 2020 टोक्यो, ये वाला फ़ोन 2018 में ये प्योंगचांग, फिर रियो डी जनेरो में था। तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा। ये देखो ये रहा,
ये देखो ये ओलंपिक का, और ये सैमसंग का फ़ोन 1998, ये 2002, ये सारी चीज़ें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये रेफ्रिजरेटर है, और ये उस टाइम का रेफ्रिजरेटर जहाँ जब इन लोगों ने प्रॉपर कब का, ये 1997 का है, ये देखो 1997 का है, और पूरा इसमें सब कुछ है। लाइक अभी जो भी मिलता है ना वो सब चीज़ें इसमें, आपको आइस वाला मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ये उनका आई थिंक 2004 का होम थिएटर सिस्टम है ये, ओके यस। तो ये पूरा वही है, और ये उनका एयर, अच्छा ये हाँ समझ गए, ये वो है, ये देखो ये एयर कंडीशनर है। और ये कब का है, ये है 2003, और बेसिकली ये वो है, ये रोबोट है जो साफ़ सफाई करता है नॉर्मल सा वैसा है। देन ये हैंडी कैम पहले आते थे, आपको याद होगा, डिजिटल कैम रिकॉर्डर, और ये डीवीडी प्लेयर। बचपन में पता है मैंने देखा है डीवीडी प्लेयर, लाइक बहुत जब मैं छोटा था तब मैं यूज़ करता था, इसमें सी डी वी डी डालो, कैसेट डालो, वो सब चीज़ें। और ये क्या है मुझे ये पता नहीं, अच्छा ये भी एयर प्योरीफायर है, ओ भाई ये लग रहा है ये तिजोरी लग रही किसी एंगल से, बट एयर प्योरीफायर घंटा लग रहा है एयर प्योरीफायर। अब मैं आपको ये देखो, ये वो टीवी, याद है आपको ये टीवी, ये पहला कंप्यूटर उनका, लेकिन जो कंप्यूटर वगैरह बनवाया था ये वो है, ये प्रिंटर है, ठीक है। उसके बाद ये एक और एक बड़ा सा डिजिटल ये है, कैमकॉर्डर है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद ये सैमसंग का लोगो, और ये है इनका टाइपराइटर जहाँ तक मुझे लग रहा है, अच्छा नहीं ये लैपटॉप कंप्यूटर है, ओ शिट ब्रो गजब। और ये इनकी हार्ड डिस्क, ये देखो 1988 की हार्ड डिस्क है ये। सो ये यहाँ पे सब वो चीज़ें लगी है जो उस साल में ना बनी थी, तो ये वो सारी चीज़ है यहाँ। ये एक और इनका कंप्यूटर आ गया, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद टेलीफोन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ये टीवी लग रहा है मुझे, नहीं ये माइक्रोवेव है, सॉरी दिस इज़ अ माइक्रोवेव ओवन। एंड ये भी हो गया, ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये है अच्छा ये एयर कंडीशनर है, ओके। और ये वाला टीवी आपको याद होगा, बचपन में बहुत कम लोगों ने शायद देखा होगा, इसके ना इसके ऐसे फ्लैप्स बंद होते थे, एक साइड यहाँ से आता था, एक साइड ऐसा आता था, एंड देन वो ऐसा बंद हो जाता था। अब मैं आपको एक बेस्ट चीज़ दिखाता हूँ कि सैमसंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ था, ठीक है। तो ये देखो 1979 में सैमसंग पहले ऐसा था, 3 स्टार्स, ये इस तरीके से लोगो हुआ करता था, एंड देन ये पूरे साल में इतना चला। फिर 1980 में थोड़ा सा इन्होंने अपना लोगो चेंज किया, नाम थोड़ा चेंज कर दिया, और ये 1980 से 1992 तक चला पूरा, ये इसका लास्ट स्टेज था। एंड देन आज के प्रेजेंट टाइम में जो हम देखते हैं सैमसंग का, 1993 से अभी तक जो चल रहा है ये पूरा ब्लू। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट ऐसा था कि पहले 3 स्टार्स थे, फिर उन लोगों ने सैमसंग गैलेक्सी कर दिया, तो गैलेक्सीज बेसिकली लाइक यू नो राउंड कर दिया यूनिवर्स जैसा, तो ये वैसा हो गया। तो यहाँ पे सीन कैसा है कि यहाँ पे देखो अभी आपकी फोटोज़ क्लिक हो रही है, एंड ये यहाँ पे आपकी फ़ोटोज़ आएगी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मेरे पास एक स्क्रीनशॉट था जिसमें सब बता रहे थे। तो अभी ये ग्रुप वन है, एंड बेसिकली ग्रुप वन वो लोग है जो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी एंड ऑल वाला सीन है इन लोग का। एंड ये सारे हमारे वो है गेमर इन्फ्लुएंसर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, कुछ कोरिया से है, कुछ नेदरलैंड से है, कुछ लंदन से है, कुछ इंडिया से हम लोग। तो ये वही सीन है, देखो अभी इनका देखो ये फोटो, ये बंदा फोटो क्लिक कर रहा है, एंड फोटो क्लिक हुआ यहाँ पे, एंड ये आएगा इसके ऊपर। सो गाइस अभी जस्ट हमारा सेकेंड डे का सीज़न यहाँ पे ख़त्म हुआ है। सो एक्चुअली क्या हुआ था ना कि हम लोग जहाँ बैठे हुए थे ना वहाँ पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस चल रहे थे, और वहाँ पे ना एक क्वेश्चन हुआ सैमसंग इवेंट में ही, रियल सिटी के अंदर क्वेश्चन हुआ कि एक मंथ में कितने गेम्स प्रोड्यूस होते हैं। कोई 1000 कह रहा है, कोई 2000 कह रहा है, तो मैंने कहा 20,000 एग्जैक्ट नंबर, और ये सैमसंग ने मुझे दे दिया है, तो इसको थोड़ा अनबॉक्स वॉकनॉक्स करेंगे, थोड़ा जाएंगे शाम में डिनर के लिए जाएंगे, थोड़ी बहुत शॉपिंग मैंने किया नहीं, बट हाँ आज हम जाके ज़रूर देखेंगे कि कहाँ पे क्या मिलता है। सो चेकआउट करेंगे कहाँ पे क्या चीज़ें मिल रही है, कहाँ पे क्लोथ्स मिल रहे हैं, कहाँ पे शूज़ मिल रहे हैं, एंड देन उसके बाद फिर हम लोग फुल ऑन शॉपिंग मचाएंगे जाके, आई थिंक कल या परसों। सो आज बस डिनर करते हैं, थोड़ा बहुत घूमने जाते हैं बाहर, देखते हैं कहाँ पे क्या मिलता है, एंड इसको अनबॉक्स करना बाकी है, तो ये भी अनबॉक्स करते हैं, ठीक है। ठीक है, सो भी हम लोग वापस आ चुके हैं होटल में, और अभी बज रहे हैं यहाँ पे 5:30, इंडिया में 3.5-4 घंटे माइनस कर लो उतना बज रहा होगा। और जो मैं आपको बताया ना कि मेरे को सैमसंग ने एक गिफ्ट दिया है, सो आ जाओ अनबॉक्स करते हो, देखते इसमें क्या क्या निकलने वाला है। सो ये है जो मेरे को सैमसंग ने दिया है, इसको मतलब इन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से पोटली बना के दे दिया है, पोटली। इसको खोलेंगे पूरे तरीके से अच्छे से, और क्या निकलेगा पहली चीज़,
टी शर्ट है क्या? क्या ये? सो एक तो टी शर्ट निकली है, दूसरी चीज निकली है ये, वो उसके जैसा नहीं लग रहा, खींचो जरा, हाथ में फंस गया। अरे बाप रे बाप। ओके एक ये निकला, अरे ये तो जबरदस्त चीज है यार। चलो ये है, और क्या खत्म? खत्म हो जाएगा, इतना ही है, ये सारी चीजें मिली है। थैंक यू सो मच सैमसंग। तो गाइस अभी हम लोग सबवे में हैं कोरिया के, और यहाँ पे देखो जैसे कोई गेम लॉन्च होते हैं ना, तो ये लोग इस तरीके से पूरी उसकी मार्केटिंग करते हैं। क्या नाम है गेम का? मॉडर्न सिटी फैंटेसी। मॉडर्न सिटी फैंटेसी, ओके। तो ये गेम का पूरा वो भी आ गया, पता नहीं MMORPG गेम है ना ये। और ये देखो नीचे, तो ये पूरा, और यहाँ ना पूरा सबवे बाय द वे, ठीक है, ये पूरा भी मेट्रो आएगी, देखना नीचे यहाँ से, ये सब गेट के पास खड़े हुए, सब गेट के पास खड़े हैं शांति से। चलो गाइस हमारी सबवे आ चुकी है, लेट्स गो। चलो गाइस ये टिकट हमें यहाँ पे डाल देनी, कहाँ डालनी इसको? कहाँ डालते? किधर है यार डालना? ये क्या? इस पर डाल देंगे, अब यहाँ से कुछ गिरेगा। अरे बाप, 2 लाख गिर गया। कितना ज़्यादा लगता है यार। दिखा दिखा दिखा, 500 500 गया ना? बाप रे। ये देखो 500 का सिक्का दिख रहा है? कितना जमाना हो गया ना? हाँ बहुत जमाने हो गए यार। हाँ बट ये 2 के आकार का है। हाँ, अगर 5 का जाएगा थोड़ा मोटा जाएगा, है ना? हाँ। बट ये 2 के आकार का, लेकिन ठीक है, 500 रुपए का सिक्का। अरे मतलब हमारे लिए तो रुपये हुआ ना 500 रुपया। वीडियो देखने के लिए हम लोग जाएंगे म्योंगडोंग स्ट्रीट या म्योंगडोंग एरिया समथिंग कुछ है, वहाँ पे जाने के बाद देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। आई थिंक 10 बज चुके हैं, यानी यहाँ पे कुछ चीज़ें जल्दी बंद ही हो जाती, तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हमें मिलेगी खरीदने के लिए या देखने के लिए, बट एटलीस्ट आज ना देख लेंगे कहाँ पे क्या मिल रहा है, और अगर आज नहीं खरीद पाए तो कल तो डेफिनेटली खरीद लेंगे जैसे फ्री टाइम मिलता है। बट गाइस ये रहा म्योंगडोंग कैथलिक कैथेड्रल, और यहाँ पे इन्होंने इतना ज़बरदस्त बना रखा है ना कि पूरा ऐसा लाइक यहाँ पे लगेगा कि तुम मस्त सिटी के अंदर ही नीचे घूम रहे हो, और बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखने मिल रही है। सो गाइस हम लोग अभी वहाँ से आए थे, और वहाँ से आके हम लोग वहाँ चले गए थे, अभी हम लोग जा रहे हैं इस डायरेक्शन देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए कि यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें देखो यहाँ भाई, ये है यहाँ का पुलिस स्टेशन, मतलब इनको क्यूटनेस ने इतना ज़्यादा वो रखा हुआ है ना पकड़ के कि पुलिस वाले तक इन्होंने को वैसे कर रखे हुए हैं। वैसे गाड़ी एकदम बकायदा प्रॉपर यूज़ की है, ऐसी GTA में गाड़ी मिल जाती है ऐसी, लेकिन पुलिस स्टेशन के सामने ऐसे मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। हाँ मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि पुलिस स्टेशन के सामने यहाँ पे ऐसे इन्होंने टॉय लगा रखे कि एक मेल ऑफिसर एक फीमेल ऑफिसर। क्या खा रहे हो ये यार? ये कुछ तो वो क्यूट सी लेडी ने दिया, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। गाइस देखो वो क्यूट सी लेडी वहाँ खड़ी है। सो दिस इज पिज्जा क्रोसॉन। पिज्जा क्रोसॉन तो कुछ नहीं है, बटर क्रोसॉन पे चीज डाल दी है, चीज डाल दी है, थोड़ा उसमें ओरिगेनो डाल दिया है, और क्रोसॉन का क्रोसॉन ही है, क्रोसॉन ही है, इट्स जस्ट विद चीज भाई। मतलब लड़की क्यूट थी इसलिए ले लिया। यही है वो क्यूट सी लड़की। Do you like anyone of these guys? No. No.
उसने बिल्कुल भाव नहीं दिया. We are just kidding.